हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां लाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी मुकेश जी की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं बेंगलुरु में जॉब करता था और साल में एक या दो बार यूपी अपनी फैमिली से मिलने आता था, जिसमें मेरे मम्मी पापा और दो भाई हैं थे। दोनों ही यूपी में ही जॉब करते थे। और मैं बेंगलुरु की बात करें तो मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहता था, जिनके नाम सुमित और वेद थे। हमने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था। हम मॉर्निंग में साथ ऑफिस के लिए निकलते, जो कि आसपास ही थे, और इवनिंग में साथ ही घर आते। सैटरडे को तीनों पार्टी करते, यही हमारी लाइफ चल रही थी। तभी एक दिन सुमित ने घूमने जाने का प्लान बनाया। हम दोनों भी रेडी हो गए, क्योंकि फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक लगातार छुट्टियां थी, तो हमने ऊटी जाने का सोचा। ऊटी पास भी था और खूबसूरत जगह भी है। तो हम फ्राइडे में आफ्टरनून में निकले और 10 से 11 बजे रिसॉर्ट पहुंच गए, जिसे हमने 4 दिन के लिए बुक किया हुआ था। हमें अपने अपने रूम मिले थे और किचन भी मिला था, पर हम रिसॉर्ट वालों से भी खाना ऑर्डर कर सकते थे। तो हम एक एक करके फ्रेश हुए और खाना ऑर्डर किया और खाने का इंतज़ार करने लगे। खाना आया, खाना खाकर हम सोने चले गए। थकान की वजह से हमें इतनी गहरी नींद में सो गए कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। हम सुबह लगभग 5 या 5:30 बजे घूमने निकल गए। ये रिसॉर्ट जंगलों के बीच में था, जहाँ कोई भी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी। अजीब सा सन्नाटा सा पसरा हुआ था। केयर टेकर भी अभी तक शायद उठा नहीं था। हमें लगा शायद यहाँ लोग लेट ही उठते होंगे। कुछ देर बाद जब हम रिसॉर्ट पहुँचे तो एक केयर टेकर मिला और हमें देखकर चौंक गया। कहने लगा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, जो हमें भी बड़ा अजीब लगा। फिर भी मैंने बोला, हम घूम कर आ रहे हैं, थोड़ा घूमने निकल गए थे। वो कहने लगा, सर ऐसे आप लोग घूमने मत जाया करो, इस जंगल में पता नहीं क्या क्या है। हमें लगा इसका मतलब जानवरों से होगा। फिर वो वहाँ से चला गया। अब हम रूम में पहुँचे तो हमने देखा कि रात में विंडो ओपन करना मना था। हमने सोचा मच्छर और जानवरों की वजह से ऐसा लिखा होगा। फिर हम ऊटी घूमने के लिए निकल गए। इवनिंग में वापस आकर खाना खाकर सुमित टीवी देखने लगा और मैं और वेद बातें कर रहे थे। मैंने बोला, यहाँ कुछ अजीब नहीं है, रात में यहाँ कोई नहीं दिखता, जैसे कि कोई हो ही नहीं। वेद बोला, हाँ यार। सुमित बोला, अरे केयर टेकर भी सोने चला जाता होगा, यहाँ रहकर करेगा भी क्या, और ये जंगल में होने की वजह से यहाँ बहुत सन्नाटा लगता है। ऐसे ही बात करते करते बहुत देर हो गई। अब सुमित और वेद दोनों अपने रूमों में सोने चले गए, पर मैंने वहीं बैठकर कुछ देर टीवी देखने का सोचा। टीवी देखने के बाद पता नहीं मेरी आँख कब लग गई, तभी एक गुर्राने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ बाहर से आ रही थी। मुझे लगा कोई जानवर होगा। मैंने सारे खिड़की दरवाजे चेक करे, जो सब ठीक से बंद थे, और मैं रूम में चला गया। थोड़ी देर सोने के बाद खिड़की के शीशे पर धपाक की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, पर जैसे ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो मैंने देखा खिड़की पर एक छोटे बच्चे के हाथ की छाप है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो कुछ नहीं देखा। जैसे ही मोड़ा, मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरे कमरे में भाग रहा है। अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि वो एक छोटा बच्चा है जिसके थोड़े से लंबे बाल हैं। जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी तो वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने बाथरूम में देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं दौड़ा दौड़ा सुमित और वेद के रूम में गया और उनको उठाया और उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ। पर थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े उठे तो उन्हें लगा कि मैंने कोई सपना देखा होगा। मगर मेरे जोर डालने पर वो दोनों पूरे रिजॉर्ट को चेक करने के लिए तैयार हो गए। हम अब इधर उधर घूम कर सब कुछ चेक करने लगे। तभी सुमित चिल्लाता हुआ
आया और बोला, किचन में मैंने उस बच्चे को देखा है। हम गए तो वहाँ कोई नहीं था। तभी घर की लाइट अचानक से चली गई। जैसे ही लाइट गई, हमने उस बच्चे को देखा। वो बच्चा एक ही सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा था। हमें समझ आ गया था, ये कोई इंसानी बच्चा तो नहीं है। अब उसकी हरकतें बढ़ने लगी। वो कभी छत से लटक कर हमें देखता, तो कभी अचानक से हवा में उड़ने लगता, कभी हमारे पीछे से आता। बस वो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ रहा था। अब हमें भी अंधेरे में थोड़ा बहुत दिखने लगा था। तभी वो शैतानी बच्चा हमारे पास आया और हमने देखा कि उसके दांत बहुत बड़े हैं, मुंह फटा हुआ था, सर पर एक बड़ा सा छेद हो रखा था और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो चिल्लाने की वजह से उसका मुंह लगभग फट कर दो हिस्सों में बट गया। अचानक लाइट आई और वो बच्चा गायब हो गया। हम दौड़ते हुए घर से बाहर गए, पर बाहर जाकर हमने सोचा इतनी रात को बाहर घने जंगलों के बीच होना भी खतरनाक ही है, और बाहर तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। और हम फिर से घर के अंदर चले गए। हमने सारे रिसॉर्ट की लाइट्स ऑन की और केयर टेकर को फ़ोन किया, सब बताया। उसने कहा, सर बाहर मत जाना, वो यही चाहता है कि आप लोग बाहर जाएं, और वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक शैतान है जो लोगों को ये जताता है कि इस बच्चे की डेथ यहाँ हुई है, जिस वजह से लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि उसकी कुछ मदद कर देंगे। पर आप लोग ऐसा कुछ मत करना और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। हमें नहीं समझ आ रहा था कि वो कितना सच बोल रहा है। हो सकता है वो शैतान इसी घर में रहता हो और हमें इस घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता हो, ताकि वो हमारा शिकार आराम से कर सके। अब वेद ने थोड़ा शांत होने को कहा और बोला, अगर उसे हमें मारना होता तो कल रात ही मार देता, पर वह हमें डरा रहा है ताकि हम इस घर से बाहर निकलें। हमने तब अपने अपने फ़ोन चार्ज पर लगाने शुरू कर दिए, ताकि अगर लाइट जाए तो हम अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर सकें, और बस भगवान से सुबह होने के लिए प्रार्थना करने लगे। घर के अलग अलग कमरों से और बाहर से सबकी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें कभी हमारे जानने वालों की और हमारे फैमिली वालों की होती, जो हमें बचाने के लिए बोलते। अब रिजॉर्ट के हर कमरे से बेड खिसकने, सामान गिरने की आवाज़ें आने लगी, और हमारे सामने भी चीज़ें इधर उधर हवा में उड़ रही थी। हम तीनों हाथ पकड़े बैठे हुए थे। तभी सुमित पता नहीं क्यों मेरी तरफ़ देखकर ज़ोर से चिल्लाता हुआ रिजॉर्ट के गेट से बाहर भाग गया। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, और उसके बाद हमने उसकी चीख सुनी जो कि फिर सन्नाटे में खो गई। अब तो वेद और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या तो उसको देखने जाए या यहाँ बैठे रहे। हम दोनों ने बाहर जाने का सोचा, तभी केयर टेकर वहाँ आ चुका था। उसने उससे सब बताया और पूछा कि तुम कैसे यहाँ आ गए। उसने हमें कुछ ताबीज़ जैसा दिया और चलो बोलकर रिसॉर्ट के बाहर ले जाने लगा। हमने उससे कहा, हमें सुमित को ढूंढना चाहिए। वो बोला, नहीं, अब वो हमें नहीं मिलेगा। हमने उसे फिर भी जिद की, और उसके बाद उसने जंगल में जाकर सुमित को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। अब वो हमें एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। जैसे ही उसने हमें देखा, वो चिल्लाता हुआ हमारी तरफ दौड़ने लगा। तभी केयर टेकर ने उसके माथे पर वही ताबीज़ लगा दिया, जिसके बाद वो शांत होकर बेहोश हो गया। अब हम दोनों ने उसे उठाया और केयर टेकर के पीछे पीछे भागकर जंगल से बाहर आ गए। केयर टेकर ने उस रात हमें अपने घर में रखा, और अगले ही दिन उसने हमें हमारे घरों के लिए निकलने के लिए कह दिया। केयर टेकर ने बस इतना बताया कि कोई नहीं जानता कि वो शैतान यहाँ कैसे और क्यों आ गया है। उसके बाद से उस बारे में हम तीनों ने कभी भी कोई बात नहीं की। बस भी साथ में बात करते हैं, लेकिन उस बारे में कभी भी किसी से कोई बात नहीं होती। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और कहानी सुनें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।